4.1 its principle of mathematical induction exercise 4.1 question number first second or third हमने पढ़ा है तो आपको four जो है homework था ठीक है तो मैं दिखा रहा हूं यहां पे question number four आपने नहीं किया है question number four is p of n जो last step है ना last step पे ही ध्यान रखना होता है ज़्यादा और वही इसका proof होता है P of n is, जरा बोलो 1 into 2 into 3 it's not 1.2.3 it's 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus n into n plus 1 n into n plus 1 into n, n plus 2 is equal to right. is equal to n into n plus 1 n into n plus 1 n plus 1 into n plus 2 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4 into n plus 3 divided by 4 ठीक है इसको हमने प्रूव करना है देखो पहला स्टेप क्या है for n first step is for n is equal to 1 you know for n is equal to 1 हमें एक टर्म लेनी है देखो चीजों को याद रखो आप हमें करना क्या होता है for n is equal to 1 आपने एक टर्म को लेनी है सो पी ऑफ वन इज सच दैट इट इज 1 into 2 into 3 ये हो गया लेफ्ट साइड एन स्टैंड्स एन इज इक्वल टू वन स्टैंड्स फॉर ओनली वन टर्म 1 into 2 into 3 इज इक्वल राइट साइड में क्या करना होता है एन का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करें इट्स 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 divided by 4 ठीक है सो व्हिच गिव्स अस 2 3s are 6 6 ones are 6 इज इक्वल अब यहां से देखो 2 into 3 into 4 divided by 4 4 कैंसिल समझ आया कुछ सो 6 इज इक्वल टू 6 इट्स ट्रू हेंस क्या लिखूं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 ये हो गया पहला स्टेप इसमें कोई परेशानी है अगर इससे कोई सीरीज हो जिसके बीच में एडिशन हो तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है एक टर्म आप ले लो और राइट साइड में n का वैल्यू आपने क्या करना होता है सब्स्टिट्यूट करना होता है n की जगह 1 सेकंड स्टेप इज फॉर n इज इक्वल टू k फॉर n इज इक्वल टू k इट्स p ऑफ k इज सच दैट इट्स 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 plus 1 up to k. n की जगह k into k plus 1 k plus into k plus 2 is equal to k, k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 divided by 4 ठीक है divided by 4 this is ये assumption step होता है हम इसको सही मान लेते हैं so इसको लिखना नहीं है hence result is true ये हमने assume ही किया ये true है so this is p of k अब last step क्या होता है p of k plus 1 for n is equal to k plus 1 उसको देखना है अब मैं इसको erase करता हूं यहां से शुरू करूंगा for n is equal to k plus 1 इधर ध्यान रखना पहले दो स्टेप्स आपको हर एक क्वेश्चन में आएंगे तीसरा स्टेप ही आना चाहिए तीसरा स्टेप है for n is equal to k plus 1 अगर कुछ प्रूफ है तो वो ये है for n is equal to k plus 1 means जितनी टर्म्स अभी तक k में है उसमें और एक टर्म को क्या करना है ऐड करना है जोड़ना है नहीं समझे यस yes, सर अगर अभी समझ लेते हो बात क्यों शुरू देता था जितनी टर्म्स है अभी ये k टर्म्स है कितने टर्म्स है k टर्म्स है यू गॉट माय पॉइंट यस सर ये जितनी टर्म्स है ये k टर्म्स है n is equal to k plus 1 means एक और टर्म को जोड़ना है ठीक yes. देखो k तक का सम हमें चाहिए p ऑफ k प्लस 1 k तक का सम k तक जो टर्म्स है दैट्स 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 फिर k into k प्लस 1 into k प्लस 2 एक टर्म के लिए मैं स्पेस रखता हूं इज इक्वल टू k पहले आप ऐसे लिखा करो ठीक है जो के स्टेप होता है ना इसको कॉपी पेस्ट किया करो क्या करोगे कॉपी पेस्ट
थोड़ी स्पेस रखो नेक्स्ट टर्म के लिए, इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर, मैंने साइड में स्पेस रखी। अच्छा शीर्ण अच्छा, तो मैंने स्पेस रखी इज इक्वल, ठीक है, तो यहां से यहां तक के टर्म्स का सम कितना आ रहा है, के इंटू के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, योर से शेड कहां तक, यहां तक, चलो ठीक है, तो के टर्म्स का सम इतना है, ठीक है। अभी और एक टर्म को जोड़ेंगे नेक्स्ट टर्म को, देखो वन टू थ्री, वन के बाद क्या है टू, फिर टू के बाद यहां पे क्या होगा थ्री, तो के बाद क्या होगा के प्लस वन, के बाद टू है, मतलब एक ऐड हो रहा है। अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आता आपको ये चैप्टर नहीं आया, वन के बाद क्या है टू, टू के बाद क्या होगा यहां पर थ्री, के बाद क्या होगा नेक्स्ट टर्म को अंडरस्टैंड करना है, इट्स के प्लस वन, ये नेक्स्ट टर्म है, फिर टू है फिर थ्री है, मतलब एक और ऐड हो रहा है, तो फिर के प्लस वन के बाद क्या होगा के प्लस टू, और के प्लस टू के बाद के प्लस के प्लस टू, ये है नेक्स्ट टर्म जो आपने दोनों साइड से ऐड कर लिया, तो इसी टर्म को यहां से भी ऐड करेंगे, के प्लस वन, समझ आ रहा है नहीं अर्थ, ठीक है, क्या किया हमने जरा बोलो, पहले k तक, पहले n इज इक्वल वन लिया, फिर n इज इक्वल के लिया, सीधे सब्स्टिट्यूट किया, अब n इज इक्वल के प्लस वन क्या करना है, इसमें क्या करना है एक और टर्म को जोड़ना है। अच्छा अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर चेक करेंगे आंसर क्या होना चाहिए, इफ n इज इक्वल के प्लस वन तो आंसर होगा k प्लस वन, एन की जगह k प्लस वन, फिर k प्लस वन प्लस वन इज k प्लस टू, देन k प्लस थ्री, देन k प्लस फोर, पहले आंसर निकाल के रखो, यही हमारा आंसर होना चाहिए इसको प्रूव करने के बाद, इसको सिंपलीफाई करने के बाद। अभी देखो मैंने आपको कल कहा था ये जो टर्म्स है ना दो टर्म्स, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालो, क्या क्या कॉमन है इनमें, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस टू k प्लस थ्री k प्लस थ्री कॉमन है ना कॉमन, बचा क्या इसमें, बचा k बाई फोर, इसमें कुछ नहीं बचा, दैट्स वन, नहीं समझा, यस सर, सो इट इज k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री k प्लस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय फोर, यस सर, सो यू गेट द आंसर, समझ आ रही है, हेंस रिजल्ट इज ट्रू एंड हेंस ट्रू, हेंस You got my point? Yes, sir. क्या करना है आपने, फॉर एन इज इक्वल टू वन अगर टर्म्स में है तो एक टर्म लेफ्ट साइड से ले लो, राइट साइड से एन का वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करो, फॉर एन इज इक्वल के आपने कुछ नहीं करना है, सीधे एन की जगह के लिखना है बस, और फॉर एन इज इक्वल के प्लस वन पहले कॉपी पेस्ट करो एन इज इक्वल के, फिर एक टर्म के लिए स्पेस रखो, फिर पैटर्न को समझो, उस टर्म को दोनों वहां पे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म को जोड़ना पड़ता है दोनों साइड से, फिर जो राइट साइड से आया उसी को सिंपलीफाई करना, प्रूव करना है इसके बराबर जो आंसर पहले निकाल के रखा आपने, यू गॉट माय पॉइंट, और इसमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स निकालने की, जितने होंगे जो बचा बुचा है उसको फिर सिंपलीफाई किया करो एंड यू गेट द आंसर, वेरी इजी, क्लियर सर, अच्छा फोटोग्राफर सर, नेक्स्ट करो ना क्वेश्चन, पिछला का बड़ा हमेशा तगा कि ना, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोलो 1 into 3 1 into 3 प्लस, अच्छा प्लस 2 into 3 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3, 3 into 3 क्यूब प्लस ऑन प्लस n into n 3 पावर n, यस सर, is equal to 2n minus 1, is that 2 power n into n, 2n minus 1, 2n minus 1 minus 1 into 3 power n, ये ऐसे 3 power n
into 3 power n plus 1. How can this n plus 1? Plus 1. Plus 3. Plus 3. Other side. 2n minus 1. Yes, sir. Into 3 power n plus 1. Plus 3. Plus 3 divided by 4. Total. Yes, sir. Divided by 4. So, aapne prove kar raha hai. 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube plus n into 3 power n is equal to 2n minus 1, 3 power n plus 1 plus 3 divided by 4. For n is equal to 1, aap khud se kar lo, bahut aasan hoga. Dekho, for n is equal to 1, agar aap ek term ko le loge, it is 1 into 3. Right mein substitute karna hai, it's 2 into 1 minus 1 into 3 power n plus 1, that's 1 plus 1. Plus 3 divided by 4. 3 ones are? 3. 2 minus 1 is? 1. 3 power 2. Samajh aaya? Yes, sir. It's 1 into 3 power 2 is 9. Plus 3 divided by 4. Yes, sir. Divided by 4 is equal to 3. Is equal to? 3. Aaya barabar? Yes, sir. For n is equal to k, kya karoge? Sir, n ki jagah k. Likhenge usko. Pehla step aapko samajh aaya? Yes, sir. Aasan hai. दूसरा स्टेप से शुरू करेंगे हम. फॉर n इज इक्वल टू k, ये दूसरा स्टेप है. पहला आप खुद से कर लो, ठीक है. फॉर n इज इक्वल k, इट्स p ऑफ k इज सच दैट इट्स 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब, k इंटू k, n इंटू 3, सॉरी n की जगह k, k इंटू 3 पावर k. It's 2k minus 1 into 3 power k plus 1 plus 3 divided by 4. ये कौन सा स्टेप है? सेकंड. ये ट्रू हम मानते हैं. अब है तीसरा. For n is equal to k plus 1. जरा बोलो, मैंने अभी क्या आपको बोला था? कॉपी पेस्ट, ठीक है. हमें k plus 1 टर्म्स ले लिए, तो कॉपी और पेस्ट करेंगे. इसको कॉपी करो, पेस्ट करो नीचे. It's 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, plus 1 up to k into 3 power k. Next term के लिए जगह रखो. Yes, yes, yes. यहां तक का सम जो है, it is 2k minus 1, 3 power k plus 1, plus 3 divided by 4. अभी next term को जोड़ते हैं. बोलो नेक्स्ट टर्म क्या है? k प्लस 1. पैटर्न को समझ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 k, k के बाद k प्लस 1 into 3, फिर 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3. मतलब जो 3 स्क्वायर के सामने 2 है ना, जो 3 के सामने 2 है वही इसका पावर है. 3 k प्लस 2. आसान है. अगर आप पैटर्न को नहीं समझते हो तो इसको सेंट्रल के लिए कोई कहां एंट्रेंस एग्जाम करें. इट्स 3 पावर k प्लस 1. k प्लस 1 जो सामने है उसी को पावर में लेना है. yes. और ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो इसी एक्स्ट्रा टर्म को राइट में भी ऐड करेंगे. यहां इट्स k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1. अब इसको मैं फिर से लिखता हूं रिपीट करके, क्योंकि मे बी वहां शेड होगी. क्या ठीक? चलो अभी शुरू करते हैं. ये ठीक आ गया पूरा अच्छे से. अभी देखो आपने क्या करना है, कॉमन निकालना है. कॉमन है कहीं पे कुछ? कहां पे? 3k प्लस 1. किस में 3k प्लस 1? दोनों में पावर. ये एक है यहां तक, ये एक है. क्या इन दोनों में 3k प्लस 1 कॉमन है? यस सर. कैसे? मल्टीप्लिकेशन में 3k प्लस 1 यहां से कॉमन है. इसमें इसमें से कुछ कॉमन है? नो सर. नहीं है ना? तो 3k प्लस 1 टोटल में कॉमन नहीं आएगा. नहीं समझो? yes, yes, हाँ, ऐसा कर सकते. 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस k प्लस 1 3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1. दूसरा 3 बाई 4 अलग लिखो फिलहाल के लिए. क्या किया आपने? 3 बाई k को अलग से लिखा. अब बोलो इन दो में कॉमन क्या है? 3 पावर k प्लस 1. अभी पहले आंसर चेक करते हैं. आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1. ये आपका आंसर. 3 पावर k प्लस 1 प्लस 1 इज k प्लस 2.
प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। अभी आगे इन दो में कॉमन है 3 पावर k प्लस 1, ठीक, इसको बड़े ध्यान से करना है, कोशिश करनी है कॉमन निकालने की। व्हाट्स रिमेनिंग k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4, इसको भी बाद में जोड़ लेंगे इन्हीं के साथ। आगे 3 पावर k प्लस 1 2k माइनस 1 4k प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 4 4k प्लस 4, ठीक है, 4k प्लस 4k प्लस 4। अभी बोलो 3 पावर k प्लस 1 2k प्लस 4k इज 6k प्लस 4 माइनस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 4। आपको लग रहा है आंसर आने वाला है तो कहते हो तो आज भी नहीं आंसर। अच्छा इसमें से कॉमन क्या है, दो में से 3 बाय 4, इन दो में से 3 बाय 4 कहां कॉमन है, 3 अलग टर्म है ना, 3 बाय 4 से कॉमन, 3 इन दो में कॉमन है, आंसर लो पर n to 3 कॉमन है इन दो में से, 2k plus 1, it's 2k plus 1 divided by 4 plus 3 by 4, ठीक, when bases are same power should be added, it's 3 power k plus 2, ठीक है, n to 2k plus 1 divided by 4 plus 3 by 4 is common, cancel out, common, 4 is common. So what's remaining? पहले लिखेंगे 2k plus 1. लिखा? 2k plus 1. आया आंसर आया. 2k plus 1. फिर? 3 power k plus 2. फिर? इसमें से plus 3. Divided by? 4. अभी बोला आप आंसर आया कि नहीं आया? आ गया आंसर. बस don't do आप. आंसर आ गया. कैसे? 2 into k is? Okay. यह होता है सिंपलीफाइड फॉर्म, जो हमें आंसर मिलता है ना वो सिंपलीफाइड फॉर्म होता है। जरा इसको सिंपलीफाई करके देखो, 2k प्लस 2 वन जा 2 2 माइनस 1 इज 1, आगे ना 2k प्लस 1, यस सर, 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1 इनटू 3 पावर k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, आंसर तो आ गया। जब भी आप आंसर निकालोगे ना पहले ही चेक करोगे उसको, पहले सिंपलीफाई किया करो, क्योंकि जब भी आपका आंसर आएगा ना वो सिंपलीफाइड फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आंसर बन के नहीं आएगा, क्लियर।